दर्शकों, आजाद इंडिया न्यूज की तरफ से आज हम आए हुए तोहित नगर नागपुर के एरिया में, जो कि ताजाबाग के आगे ही है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी हस्ती और जिंदा वली जिनको कह सकते हैं, उनके यहाँ पर आए हुए। और जहाँ पे आने के बाद में काफी सारे लोगों को, बहुत से जिनकी तकलीफें और जो परेशानियां वगैरह थी वो काफी सारी यहाँ पे दूर हो चुकी है। तो यहाँ हम लोग कुछ जाहिरीन का और कुछ लोगों से हम लोग पूछताछ करेंगे कि ये क्या मसला है और क्या आखिर करामात है जिसकी वजह से इतना नागपुर में उनका नाम हुआ है और इतनी सारी तादाद में लोग आज भी उनकी जियारत के लिए और उनसे मिलने के लिए और अपने मसले मसाइल लेकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम पटेल मुंबई में रहता हूँ। तो मैं पिछले साल आया था, उसके बाद दो तीन महीने में कंटिन्यू आया, मेरा कुछ काम रुका हुआ था, माशाल्लाह उनकी दुआ से काम मेरा हो गया। और यहाँ जितने मैं देख रहा हूँ, जितने लोग आ रहे हैं, सब कोई नाराज़ होकर तो नहीं जा रहा है, माशाल्लाह सबका हर काम बन रहा है। किसी भी शादी का मसला हो, किसी का बच्चे का मसला हो, किसी का कारोबार का हो, किसी का बीमारी का हो, माशाल्लाह सबको शिफा मिल रही है। और यह पब्लिक की तादाद बढ़ी रही, घट रही नहीं। ये जो भी जितने भी लोगों का आज ये हुजूम बढ़ रहा है या फिर ये जो करामात इनकी आ रही है और जो लोगों के मसले मसाइल हर हल हो रहे, तो ये कब से हो रहे हैं और ये कितना टाइम, कितना अरसा हो चुका है? हो चुके हैं करीबन 2 साल हो चुके हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन दरबार से इनको ये मिली वलियत, वहाँ से उनको लोगों को जैसा जैसा मालूम हो रहा है, जैसा जैसा लोगों को मालूम हो रहा है वैसा वैसा लोग आ रहे हैं, लोगों को फैज मिल रहा है। यहाँ पे कैंसर वाले ठीक हो रहे हैं, जो बे औलाद है उनको औलाद नसीब हो रही है। तो इससे दिनों पे लोगों का यकीदा बढ़ते जा रहा है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, दूर दूर के लोग आ रहे हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, यहाँ के बोलो यूपी, MP, सब जगह के लोग आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से इलाज वगैरह होता है या कुछ? यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता, कुछ नहीं लिया जाता, सिर्फ उनको पानी दिया जाता है और लुभा नगर दी जाती है। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि इनको बशारत वगैरह किस तरीके से हुई या किस तरीके से पता चला, क्योंकि अभी इनकी उम्र काफी छोटी है, तकरीबन अभी 4 साल उनका तकरीबन 2 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है, बर्थडे हुआ है। तो ये कब से? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम शेख असलम कादरी है और मैं सरकार से 2-2.5 साल से जुड़ा हूँ। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं तो फैज पाके जाते हैं। और सरकार का तो ऐसा मसला है कि सरकार 2.5 साल के जब हजरत थे तो शहनशाह हत्या अकलीम हजूर सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन सरकार के पायताने में जाया करते थे अपने बड़े अब्बा के साथ। तो उस टाइम पे सरकार ने उनको जो भी अता किए हैं, उस सरकार जब से अपना फैज़ आम यहाँ से चालू है और हम लोग सरकार की खिदमत करते हैं और यहाँ से हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जो भी अपनी तमन्ना यहाँ पे लेके आते हैं लोग, वो सरकार पूरी करते हैं। शहनशाह अख्तियार अकलीम हुजूर सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन सरकार के सदके में सारे काम यहाँ पे बनते हैं लोगों के। कोई भी मसला लेके आए यहाँ पूरा होता है। ये जो बशारत मालूम पड़ी तो किस तरीके से पता चली, आप बता सकते हैं क्या कि मतलब क्या हुआ, कैसे पता चला कि करामाती है करके? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मेरा नाम मोहम्मद फरीद खान। और जब आप छोटे थे तो काफ़ी, यानी आप इनके वालिद हैं क्या? जी जी हाँ। आप जब छोटे थे तो आपकी यानी तबीयत नासर चलती थी पहले जी, और पहले जो था उनका सर जो था पहले बड़ा था और हालत ऐसी थी उनकी, छोटी हालत थी, काफ़ी दुबले थे। तो मैं यानी दवा खाना काफ़ी किया मैंने, लेकिन जब ये सरकार ताजुल औलिया में आप जाहिर हुए उसके 2-3 दिन के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ताजुल औलिया का ऐसा नहीं क्या नॉर्मल हो गए। और उसके बाद में जो है आप रात में जाते थे और सरकार ताजुल औलिया में खेलते रहते थे, तो हमको मसला समझ में नहीं आया था। तो ऐसी एक का मसला ये था कि आपने पानी दे दिए और वो पानी से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो बीमारी थी उससे शिफा हो गई। तो वो शख्स आए थे और मैंने घर पे आए थे सुबह, तो उनने बताए थे हमको कि बोले छोटे छोटे जो थे बोले नन्हे बाबा वो कहाँ है बोले, तो मैंने क्यों क्या हो गया तो बताए, तो ऐसा ऐसा मसला हुआ बोले और हमको आराम हुआ एक ही दिन में। वो सरकार ताजुल औलिया में नहीं, जाहिरीन में आए थे वो जी। फिर वो आए घर पे तो उनने एक बात बोल के गए थे कि ये आपका घर घर नहीं रहा, ये सरकार ताजुल औलिया का दरबार है, ये बोल के गए थे। फिर ऐसी काफ़ी चलते चला और ऐसी चढ़ता चलती चली, तो उस वजह से तादाद बढ़ते गई जी।
और इनका नाम वगैरह क्या है, इनका पूरा नाम? नूर मोहम्मद ताजी। नूर मोहम्मद ताजी जी। तो देखा आप लोगों ने ये सब करामात हैं, और अभी हम भाई से भी जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहू। अभी हम जहाँ बैठे हैं ये आस्थान है हजरत नूर मोहम्मद ताजी है, जहाँ यहाँ रोज 100, 200, 500 लोग आ रहे हैं और फैजाब पा रहे हैं। मैं इसी बस्ती का रहने वाला हूँ, तोहीद नगर का। मैं एक ऑटो चालक था, मेरा नाम शेख शफी। मेरे पेट में जो भी तकलीफ थी, मैं सरकार के पास आया है पहली बार। सरकार ने 9 बॉटल पानी मेरे ऊपर से पड़ के फेंक दिए नीचे, मुझे कुछ फैज हुआ। उसके बाद में अचानक ऐसा हो गया कि फिर मेरी तबीयत बिगड़ी और मैं सोया था तो मुझे ख्वाब आया कि तुम ऑटो लेके मेरे आस्थाने पे पहुँचो। आज उस बात को 7 महीने हो चुके जब मैं ऑटो लेकर आया और सरकार से पूछा आपने ऑटो मंगाए थे क्या, तो मुझको ये बोला गया हाँ मंगाया था, आप बैठ जाओ, अब मेरी खिदमत करो। तो मैं यहीं पर उस दिन से रह गया और जो मेरी तकलीफ थी वो भी ख़त्म हो गई। और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आज दूर दराज से लोग आ रहे हैं, किसी को 1 दिन लग रहा है, किसी को 2 दिन लग रहे हैं, और मेरा मकान यहाँ 10 मकान की दूर पर है। मुझे यहाँ पहुँचने में 18 महीने लगे, क्योंकि जब तक बुलावा नहीं था तो मैं यहाँ पहुँचा नहीं, जबकि यही रोड हमारे घर पर बस्ती में जाने का है, लेकिन मेरे को 18 महीने लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये करामत है सरकार की कि जो फैजाम लोग आ रहे हैं, एक मिक्स से जुड़ रहे हैं, और जो हकीकत चल रही है, और जो लोगों ने एक वसवसा फैला के रखे है कि वहाँ इत्तेफाक हो रहा है, लूटे जा रहा है, ये सब फजूल की बातें है। हमारा तो खुला कहना है कि भाई जिसको भी देखना है यहाँ आस्थाने में आ जाओ, उनके रूबरू बैठ जाओ और जो देखना है देख लो। और इत्तेफाक ज़िंदगी में इंसान से 1 या 2 बार होता है, हमारे बार बार नहीं होता है। हमारी सरकार की जो करामतें है ये 100 से 150 हो चुकी है, और जिन्होंने फैज पाए उनके हमारे पास नंबर है, नाम है। जिसे भी ये मालूम करना है वो बेशक यहाँ आ सकता है, हमसे पूछ सकता है, हम वो डायरी उनको दे देंगे। आप उन्हीं से ताल्लुक करके ये बता पूछ लो कि कितना पैसा लगा है यहाँ पर और क्या क्या काम हुआ है। हम इसके बिल्कुल यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता, और जो सामान आप लाते हैं वो आप ही को पढ़वा कर बाबा जान का पानी पिला कर हम दे देते हैं, बस इतना ही। मैं टिमकी से हूँ, मोहनपुरे से, और मेरे को 9 साल हो गए थे शादी को, मेरे को औलाद नहीं थी, अभी फैज है, औलाद है, 9 साल के बाद औलाद हो गई, माशाल्लाह। लड़का हुआ लड़की हुई? अभी खुशखबरी है। अभी 7वां महीना है, अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अभी इतना होना तो बाबा के लिए आप क्या कहना चाहते? मेरे लिए तो बहुत बड़े हैं बाबा, जो यानी जो मुराद जो लेके आते हैं मुराद पूरी होती है बाबा है। किसी को ऐसा फायदा हुआ यहाँ आने के बाद? अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन बाग से आया हूँ, और मेरी घरवाली को 15 साल से तकलीफ है, काफी जगह इलाज कराने के बाद में फायदा तो नहीं हुआ, मगर यहाँ आने के बाद में कुछ तकलीफें कम हुई, हल हुई, और यहाँ आने के बाद में एक सुकून मिलता है और दिमागी सुकून मिलता है, मतलब यहाँ पर आने के बाद, और मेरे को फैज मिला है, चल रहा है अभी काम, तो मुझे इनसे काफ़ी मदद मिल गई। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। यहाँ ये हज़रत नूर मोहम्मद ताजी का आस्थान है, मैं हज़रत के बड़े वाली साहब का बेटा हूँ, मैं हज़रत का भाई हूँ। तो हम बस यही चाहते हैं कि जो अफवाह फैलाई जा रही है हज़रत के नाम पे लूटा जा रहा है, ये करा जा रहा है, हम अगर हज़रत को जिस किसी भी तकलीफ़ है तो हमारे पास आइए, ऐसे हमारे बारे में जो हज़रत के बारे में जो गलत बोलते हैं हज़रत खुद देख लेते हैं, हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती सरकार का करम है। और तमाम लोग यहाँ जितने भी शायरीन आते हैं, तमाम लोग जो अपनी मुराद लेकर आते हैं, जो औलाद के लिए आते हैं उनका औलाद हो रहा है, कई रिश्ते वाले को रिश्ते हो चुके हैं, हम तो बस ये कहना चाहूँगा आँख हो तो पत्थर में भी नज़र आए, वरना काबे में उठो ना तो खुदा मिलता नहीं। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। पुलिस साहब को बोलो, क्या बोलूँ पापा, कुछ भी बोलो। यहाँ तमाम जितने भी मतलब लोग आते हैं हजरत, तमाम के काम बन जाए, सरकार ताजुल औलिया के सदके में जो बेऔलाद है उनकी गोद भर जाए, जो परेशान से मुब्तला है, जो बीमार है उनको शिफा मिल जाए, जो कर्ज में मुब्तला है उनकी कर्ज से निजात मिल जाए। अरे मेरे
वही बोलूं। मेरे बाबा के पास में जो भी आता है अल्लाह के सबकी पूरी उसकी जो है मुराद पूरी करे, आमीन बोलो। या अल्लाह बाबा जान के सदके में जो भी सरकार यहाँ से पानी वगैरह देते है, या अल्लाह उसमें फैज अता फरमाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहु। यहाँ जो भी जायरीन आते हैं सरकार ताजुल औलिया के सदके में तमाम लोग आते हैं बस सरकार ताजुल औलिया के सदके में सबको शिफा मिले। आमीन आमीन। बाबाजान हम सबको दुआ दीजिए, सबको दुआ। तो आज हम बात करेंगे बाबा जान के दादा जान है उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या करामात है, किस तरीके से बढ़ती जा रही है लोगों की तादाद और उनके करामात वगैरह जो पेश हो रहे हैं। देखिए अस्सलाम वालेकुम, मैं दादा जान होने के नाते आपको यही बताऊंगा। मेरा नाम हमीद खान रस्सी वाले है और मैं सरकार नूर मोहम्मद ताजी के दादा हूँ। अब जो आपने सवाल किया है मैं उसके बारे में, आपने तो अभी तमाम लोगों से जानकारी ली है, सबने बताया यहाँ कितने दूर दूर से लोग आते हैं, इतना रुपया खर्चा करके यहाँ आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ से उनको फायद मिल रहा है, शिफा मिल रही है और शिफा आगे जाते हैं। हमारे यहाँ जब से हजरत जाहिर हुए हैं इनका सबसे पहले करिश्मा तो यह है कि अल्लाह ने इनके पानी में फायद दिया है, जो पानी की बॉटल वो पी के देते हैं चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो या जो भी तकलीफ हो उनकी सब दूर हो जाती है, इससे लोगों को फैज मिल रहा है और लोग आ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जिनको भी फैज मिल रहा है, शफा मिल रही है, उनसे यहाँ किसी किस्म का एक रुपया भी अदिया या नजराना लिया नहीं जाता है। यहाँ सिर्फ शफा पाने के लिए, फैज पाने के लिए हम उनको बोलते हैं आप आओ यहाँ फैज पाओ जाओ। दूसरी बात यहाँ है कि हमारे बाबा जान में जरा मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम लोग भी बहुत काफी तादाद में यहाँ आ रहे हैं और फैज पा रहे हैं। और हमारा आप तमाम लोगों को यही कहना है कि आप आइए और यहाँ से फैज पा के जाइए। ये राहुल सर एमपी से, भोपाल से, तो इनसे जानना चाहेंगे ये यहाँ किस तरीके से पहुंचे और इनका जो भी मसला था वो हल हुआ कि नहीं। आपका पूरा नाम? हाँ सबको मेरा सलाम, मेरा नाम राहुल रंगारिया है, मैं भोपाल से हूँ। अभी गत 11 साल से नागपुर में रहता हूँ। पिछले 7 महीने पहले मेरी बेटी के साथ एक खराब वाकया हुआ था जिसके कारण हमें एक ऑपरेशन करना पड़ा था। उसका डॉक्टर ने हमें हाथ खड़े कर दिए थे, डॉक्टर ने बोला कि कुछ समय बचा नहीं आपके पास, 2 से 5 साल बचे हैं, कुल मिला के खींच खींच के 7 साल। कोई एक हमारे परिचित थे, मुलाकात ऐसी होती ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो ऑटो रिक्शा वाले ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। उनका कहना था कि मेरे साथ चलिए, हालांकि अपने फैमिली को साथ में लेकर आए थे लेकिन अपने फैमिली के साथ वो जियारत कर नहीं पाए हजरत की, लेकिन मेरे लिए बैठे रहे और बोले जब तक आपकी ज्यारत नहीं होगी मैं जाऊंगा नहीं। तो उनने हमारी ज्यारत करवाई, बताया क्या है क्या नहीं, फिर हमने हमारी समस्या बताई और तब से हमने कंटिन्यू किया यहाँ पर। लेकिन तकलीफ की बात बड़ा बुरा लगता है कि जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया वो खुद यहाँ तक कंटिन्यू नहीं कर नहीं पाया, लेकिन हम कर पाए यहाँ पर, उसकी भी कोई तकलीफ है। बच्चों के लिए जाता है हर दरगाह पर, वो तब से आ रहा हूँ सर, 7 महीने का समय हो गया। मेरी बच्चे भी बहुत अच्छी है, जो डॉक्टर ने बोला था उससे कई गुना हम लोगों ने अच्छाई पाई यहाँ पर, और हमें अभी लगता ही नहीं कि जो चीज़ डॉक्टर ने बताया वो अभी है, ये हमें यहाँ पर मिला है। अब कैसा है इससे अधिक मैं कुछ बोल नहीं सकता, और जितना भी जिसको अगर जानकारी लेनी है हासिल करना है तो यहाँ पर आना पड़ेगा, अकीदा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास के बगैर कुछ नहीं है। आज़ाद इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पर कैसे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और फैज पाते हैं, और यहाँ कोई हदिया या कोई पैसा या कुछ भी लिया नहीं जाता है, किसी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि अगर आपके भी कोई मसले मसाइल है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और फैज पा सकते हैं। शुक्रिया, थैंक।